सलमान खान पर एक बार फिर हमला करने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जो पनवेल में सलमान की कार पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए पाकिस्तान से हथियार मंगाए जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए 4 शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं। इन्होंने फार्म हाउस और कई शूटिंग लोकेशन पर जाकर रैकी की। इन्हें सलमान की कार पर AK-47 जैसे कई हथियारों से फायरिंग करने का ऑर्डर दिया गया था। पुलिस को ऐसे कई वीडियोस आरोपियों के मोबाइल से बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए शूटर्स की पहचान धनंजय उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया उर्फ नहबी, वापसी खान उर्फ वसीम चिकना और रिजवान खान उर्फ जावेद खान के रूप में की गई है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी बरार समेत 70 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और आगे की जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया है कि अजय कश्यप पाकिस्तान में डोगा नाम के शख्स से संपर्क में था, जो M16, AK-47 और 1.92 खरीदने के लिए काम करता था। पिछले दिनों 14 अप्रैल को सलमान के घर पर फायरिंग हुई थी। सुबह 2 अनजान लोगों ने सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 3 से 4 राउंड की हवाई फायरिंग की थी। दोनों शूटर्स बाइक पर आए थे और फिर हवा में फायरिंग करके भाग गए। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। सलमान के अपार्टमेंट के बाहर उन गोलियों के निशान भी मिले थे। एक गोली उनकी बालकनी के नेट को चीरती हुई भी निकल गई थी। तब सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बिश्नोई बंधुओं को इस केस में आरोपी बनाया और अब वह लॉरेंस से पूछताछ करने की तैयारी कर रहे हैं। लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। सलमान फिलहाल अभी भारत से बाहर है। वह अंबानी की प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए स्पेन गए हुए हैं। उन्हें इन शूटर्स की जानकारी दे दी गई है। भारत आते ही उनकी सुरक्षा और चाक चौबंद कर दिए जाएंगे। सलमान खान ने हथियार के लिए आवेदन भी दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया था। सलमान खान के पास अब हथियार है, लेकिन जिस तरह की प्लानिंग की गई थी, उससे पता चलता है कि यह एक बड़ी साजिश थी।